31:10-31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सामना होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। इस घड़ी इन दोनों को अपने अभिषेक प्रदान कर ये विवाह की प्रतिज्ञा परस्पर देने सके। यही प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम। अब एक दूसरे को देखेंगे और विवाह की प्रतिज्ञा मेरे साथ बोलेंगे। आप ही ख्रीष्ट जीवन दान बागे सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचन का दुलीन को विवाद की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रीष्ट जीवन दान बागे तुझको हे ख्रीष्ट विदित नीति किंडो सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूं कि मैं तुझको
अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे, आमीन। अब एक ख्रिस्ट युदित विकी किंडो सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने अपने इस वचन का दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं ख्रिस्ट युदित विकी किंडो तुझको हे ख्रिस्ट जीवन दान पागे, यहां सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देती हूं कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे, आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथ को मिलाओ। मैं कलीसिया का बुलाह 18 से पिता पुत्र और आत्मिक नाम से इस मैरिज को आशीष करता हूँ। विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं ख्रिस्तानी मंडली का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, दोनों दूल्हा दुल्हन घुटना टेकेंगे, मंडली खड़ी हो जाए, मंडली खड़ी हो जाए और दूल्हा दुल्हन घुटने टेके रहेंगे। आरिस घड़ी दो पद होगी आशीषों की बारिश गाया जाए, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। होगी आशीषों की बारिश दो पद केवल। Thank you.
भजन संहिता से भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य और आस सुने। परमेश्वर का हर एक डरवैया क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा तब तू क्या ही धन्य, और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवंता की नाई, तेरे घर के भीतर और तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर जल पाए के पौधे। आशीर्वाद विश्वासी अवधीन मन होकर ग्रहण करें। परमेश्वर मुझे आस देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना बहुत खास दे तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना बहुत खास दे और तुझे कुशल देवे। आमीन आमीन। सभी ऑफिशियल प्रोसेस खत्म हो गए हैं और एक जीप आप कर लिए कि नहीं लिए ना आप लोटा पानी बड़का गोतिया घर देखी बचंदा आज इसका समापन होता है। तो माला तो बनता है कि नहीं
फोटोग्राफर थोड़ा मंडली को भी देखने दीजिएगा, ठीक है? कैमरा में देख लेंगे चलिए कैसे पहनाते हैं। हाँ उधर भी देखने दीजिए। चलिए सबसे पहले मिक्की चलिए अब सब कुछ हो गया, अभी सेल्फी बनता है ना। एक मिनट का समय दी जाती है। Thank you.
और जितना भी बाकी बाकी है सब खाने के लिए जाएंगे और समय बहुत काम है और मौसम भी ठीक नहीं है इसलिए खाने के लिए जितना भी बाकी है सब चल रहा है। हाँ
डरू छो खुलो
मिला प्रभु का।